फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की बहुत ही स्वादिष्ट और रसेदार मसाले वाली सब्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी सब्जी। चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। जब गरम हो जाए तो 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए 400 ग्राम सहजन है ये, उसका रेशा निकाल करके मैं इसको 2.5 इंच के लगभग टुकड़ों में कट कर ली हूँ। अब इसको हम लोग तेल में डाल करके गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, सहजन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें का जो कच्चापन है वो नहीं निकलेगा और स्वादिष्ट सब्जी नहीं बनेगी। इसलिए सहजन को फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे तो हमारा सहजन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बार बार चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो एक तरफ कहीं कहीं फ्राई होगा और कहीं कहीं नहीं रह जाएगा ऐसे ही। तो देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, सहजन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे सहजन को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सहजन कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो 1/2 चम्मच पचफोरन डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी मैं, उसको लंबा लंबा कट कर ली हूँ, पतला पतला, और डाल करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग 3 इस तरह से लंबा कटा हुआ आलू डालेंगे, थोड़ा मोटा ही, इस तरह से देखिए, और प्याज में डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारा आलू और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, 2 टमाटर ली थी मैं, उसको पतला पतला इस तरह से लंबा लंबा कट कर ली हूँ और उसको भी डाल करके गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी डाल करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ही और मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, जितने अच्छे से मसाले हमारे भुने रहेंगे सब्जी में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, इसलिए मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैं मसालों को भून ली हूँ, इस तरह से हो गया है। अब इसमें हम लोग फ्राई किया हुआ सहजन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, सहजन की सब्जी बहुत इजी है बनाना। इस तरह से बनाएंगे तो जिसको सहजन नहीं पसंद है उसको भी पसंद आएगा और हमेशा सहजन खाने के लिए बोलेंगे। सहजन से बहुत ही सारे फायदे होते हैं, इसको खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 मिनट तक मैं सहजन डाल करके लो फ्लेम पर भून ली थी। अब इसमें हम लोग 2 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग रसेदार सब्जी बना रहे हैं इसलिए हम लोग पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब ढक्कन लगा करके 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं मीडियम फ्लेम की थी, उसके बाद जब थोड़ा सा उबाल आ गया है तो फ्लेम लो कर दी थी। अब हो पक गया है सब्जी हमारा। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके रेडी है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ, किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।